नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं व्यापार से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। बाजार के सभी सेक्टोरियल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा 0.88% की तेजी मेटल शेयरों में देखी जा रही है और रियल्टी शेयर 0.73% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। इंफ्रा शेयरों में 0.64% की उछाल के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी के दिग्गज शेयरों में टाटा स्टील 2% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। आइडिया सेल्यूलर में 1.51% की बढ़त दिख रही है और गेल में 1.40% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। ताइवानी स्मार्टफोन कंपनी एसोस ने सोमवार को भारतीय बाजार में अपना 4G एनेबल्ड ज़ेनफोन मैक्स स्मार्टफोन पेश किया, जिसमें 5000 mAh बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। फोन की कीमत भारतीय बाजार में 9,999 रुपए रखी गई है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि फोन की प्री बुकिंग ई कॉमर्स वेबसाइट amazon.in और flipkart.com पर सोमवार दोपहर को शुरू हो गई है। ट्रेड यूनियनों ने सोमवार को सरकार से व्यक्तिगत इनकम टैक्स छूट सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए और न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की मांग की। इसके साथ ही यूनियनों ने सभी के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की भी मांग की है। जबकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत रेखांकित की। वित्त मंत्री जेटली के साथ यहां बजट पूर्व चर्चा के दौरान 11 केंद्रीय मजदूर संगठनों ने अपने 15 सूत्री ज्ञापन में उक्त मांगे उठाई। आगामी वित्त वर्ष 2016-17 का केंद्रीय बजट फरवरी के आखिर में संसद में पेश किया जाना है, जो 1 अप्रैल 2016 से लागू होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम ने नई जीवन बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। ये सीमित प्रीमियम भुगतान वाली इंश्योरेंस योजना है। LIC ने इस योजना को जीवन लाभ के नाम से लॉन्च किया है। LIC की जारी विज्ञप्ति के मुताबिक ये योजना 8 वर्ष से 59 वर्ष आयु वर्ग के लिए उपलब्ध होगी और इसमें 16 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष की अवधि चुनने का विकल्प दिया गया है। इसके साथ ही इसमें संबंधित पॉलिसी धारक को 10, 15 और 16 साल तक प्रीमियम भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में 2000 सीसी और उससे अधिक क्षमता की डीजल इंजन वाली गाड़ियों की बिक्री और पंजीकरण पर लगी रोक हटने से संबंधित याचिका की सुनवाई मंगलवार को होगी। ये याचिका ऑटोमोबाइल निर्माताओं ने दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति TS ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को कहा कि इस मामले की सुनवाई मंगलवार को की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।